नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। इस वक्त की बड़ी खबर, झूठे वायदे करके सत्ता में आई है कांग्रेस। नौकरी का वादा करके युवाओं से नौकरियां छीनी है। आउटसोर्स कर्मियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह बयान, झूठे वादे करके सत्ता में आई है कांग्रेस। नौकरी का वादा कांग्रेस ने युवाओं से किया, लेकिन उन्हीं की नौकरियां जो है वो छीन ली गई। आउटसोर्स कर्मियों को वेतन अब तक नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि झूठे वायदे जो है वो जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से किए गए। नौकरी का वादा किया गया युवाओं से, लेकिन वो नौकरियां जो है वो नहीं दी गई युवाओं को। आउटसोर्स कर्मियों की तो वेतन जो है वो तक नहीं मिली है, 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया है इस सरकार के कार्यकाल में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि अब हिमाचल प्रदेश के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हर रोज हम खबर सुन रहे हैं, खबर देख रहे हैं कि आज इतने नौजवानों को जो आउटसोर्स पर लगे थे नौकरी से निकाल दिया गया, और हाल ही में हम देख रहे हैं कि लगभग 2,000 कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे और कोविड के दौरान लगे थे, जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम किया, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। और दुख की बात और इसमें और ज्यादा है कि इन कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी भी नहीं दी गई। और जब भाजपा की सरकार थी, हमने नीति बनाई थी और उस नीति में हमने एक प्रावधान किया था कि जो भी आउटसोर्स में कर्मचारी हमारे लगे हैं वो यथावत अपनी सेवाएं देते रहेंगे, किसी को निकाला नहीं जाएगा। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कुल्लू में लापता आरती का शव मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 दिनों बाद नदी किनारे ये शव मिला है। शव विस्फोट हालत में, शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कुल्लू में लापता आरती का शव मिला है। 7 दिनों से बताया जा रहा है, 7 दिनों बाद नदी किनारे ये शव मिला है। शव विस्फोट हालत में, शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। अस्पताल परिसर में नारेबाजी भी परिवार द्वारा की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शत अवस्था में शव मिला है, तो 7 दिनों से लापता थी आरती और जिसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब नदी किनारे आरती का शव जो है वो मिला है। कुल्लू में लापता आरती का शव मिला है। शत विशत अवस्था में ये शव मिला है। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। सारी जगह ढूंढा हमने, जहाँ वो मिली वहाँ से भी हमने सारी जगह ढूंढा, एक जगह नहीं। और पूरे गांव वासी हमारे साथ आए हुए थे, पर तब भी नहीं हमें मिली, तब भी नहीं मिली। उसकी सास ने बोला हमारे पास कि भाई जाओ उसको नीचे ढूंढो नदी के किनारे। वो नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। उनको कैसे पता कि वो खत्म हो चुकी है? चेहरा देखा कि इसका तो पूरी तरह चेहरा सिर पूरी तरह डंडे डंडे से मारा हुआ है। तो पूरा शक था हमने की मार के फेंकी है। आज वो शक पूरा क्या नाम है, यकीन में बदल गया। बहुत बुरे हाल की है इन लोगों को, पूरे परिवार को। 5 परिवार है उसमें, ये सख्त से सख्त सका हिमाचल सरकार दे दे। तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल परिसर में नारेबाजी परिवार द्वारा की गई है। आरती जो की पिछले 7 दिनों से लापता थी, कुल्लू में लापता आरती का शव मिला है और शत विशत अवस्था में मिला है। 7 दिनों बाद नदी किनारे शव जो है वो मिला है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। परिवार वालों ने फिलहाल पुलिस गुहार लगाई है कि वो जो हत्यारे हैं आरती के, उन्हें सख्त से सख्त सजा जो है वो दिलवाएं। तो परिवार वालों का कहना है कि हत्या की गई है आरती की, 7 दिनों से वो लापता थी, उसकी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन आखिरकार उसका शव मिला है नदी किनारे और वो भी शत विशत अवस्था में।
में आगे बढ़ेंगे। वन रैंक वन पेंशन पार्ट टू की विसंगतियों के चलते पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए देश भर में भूख हड़ताल की, तो वहीं हिमाचल में भी उपमंडल और साथ ही पंचायत स्तर पर भी भूख हड़तालों का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष कैप्टन हेतराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में करीब 153,000 लोगों को सैन्य पेंशन मिलती है और बता दें कि पार्ट टू में पेंशन को बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया है। बीस फरवरी से लेके अभी तक आज की तारीख तक जो है ये देशव्यापी अभियान जो है पूर्व सैनिकों का शुरू है। आज पूरे देश के अंदर में भूख हड़ताल का आयोजन हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर, हर पंचायत के स्तर पर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मनाया जा रहा है। जैसे हमारी जो मांगे हैं मेन वन रैंक वन पेंशन टू के अंदर में जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम पहले ही अपना ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को पहले भेज चुके हैं। उधर देश भर में पूर्व सैनिक एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। मामला वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों का है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में भी राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर पूर्व सैनिकों ने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। भारतीय सेना ने रिटायर्ड इसके सहगल ने हर वर्ग के सैनिक को समान मिलिट्री सर्विस पे देने की मांग जो है उठाते हुए कहा कि कोई सैनिक हो या फिर अधिकारी, हर कोई जब जंग लड़ने जाता है तो बराबर जान का खतरा उठता है, गोली रैंक नहीं देखती है। ऐसे में हर किसी पूर्व सैनिक को बराबर एमएसपी जो बराबर यहां पर पेंशन मिलनी चाहिए। जब ओआरओपी टू का लागू किया गया तो इसमें सरकार द्वारा जो बजट का प्रावधान किया गया था उसको बजट तो लागू कर दिया, परंतु उसको क्या किया कि भारतीय सेना में जैसा कि आपको भी शायद मालूम होगा कि 97% JCOR 3% ऑफिसर्स जो है, लेकिन जो बजट का एलोकेशन किया गया उसको इसी हिसाब से टेबल पर एडजस्ट किया गया कि जिसमें 90% जो भाग है बजट का वो ऑफिसर्स को दिया गया और 10% सिर्फ बजट का JCOR को दिया गया। आज हम सभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों को मजबूर होकर के सिर्फ यही नहीं पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होकर के धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले हमें वन रैंक वन पेंशन के नाम के ऊपर ठगा गया। उधर सोलन में लंबे समय के बाद 5 पार्षदों को मनोनीत किया गया है। पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह सोलन के डीसी कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने सभी मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मुख्य तौर पर मौजूद रहे और समारोह में उपस्थित सभी लोगों को उन्होंने संबोधित किया। मेरा मानना है कि जो भी पार्षद आए हैं मुझे पूर्ण आशा है कि वो न केवल अपने ही वार्ड का बल्कि पूरे सोलन का ध्यान रखेंगे और दे आर फेयरली सीनियर लॉर्ड और इन्होंने सचमुच में काम किया है ग्राउंड पे, मैं जानता हूँ। और अब और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि भाई जो भी पद मिलता है वो कहते भी हैं ना कि भाई ए मैन कैन डिग्निफाई हिज रैंक, नो रैंक कैन डिग्निफाई ए मैन। तो रैंक तो कोई बड़ी भारी महत्ता नहीं होती, महत्ता होती है उस रैंक को सुशोभित करने की। जो भी काम करने की जगह मिले उसमें काम ही करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जो उस इलाके के अनुरूप हो। उधर नालागढ़ में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, इस वजह से वहां के दर्जनों परिवारों को जानमाल का खतरा सताने लगा है। आपको बता दें कि गोपालपुर पंचायत में पहाड़ी से एक नाला गुजरता है जिस पर शख्स ने पंचायत की मिलीभगत से उस पर डंगा लगाकर अवैध कब्जा कर लिया है। इस वजह से बारिश का सारा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। हालांकि इस बारे में स्थानीय लोगों ने SDM और तहसीलदार से शिकायत की थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि SDM ने लोगों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
नाला बिल्कुल कंजेस्टेड कर दिया, जैसे 7-8 फुट पानी आता है तो ये ओवरफ्लो होके मकानों की तरफ को बह जाता है और बाथरूमों में अंदर पानी बुड़ बुड़ करता है ऊपर को। टीवी लगा के नाला खुदा दिया, नाले की डायरेक्शन चेंज करके ना जी पीछे दूसरी जगह को डाइवर्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि हम पंचायत वाले जो है इसको नाले को जो है वो चरनी की बाल लगा रहे हैं। जब मैं इसके बारे में RTI लगाई हाँ जी, तो वो मुकर गया अभी हम नहीं लगा रहे हैं, जबकि RTI में ये दर्शाया गया अभी अभी हमने काम आरम्भ नहीं किया और सीमेंट के लिए हमने 39,000 कुछ रुपया जो है निकाला है, जब काम नहीं वहाँ का स्टार्ट हुआ तो कैसे काम पैसा निकाल लिया। उधर हिमाचल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मंडी सदर इकाई का गठन किया गया है। ये चुनाव प्रक्रिया पूरा महीना जारी रहेगी। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी के संयोजक रजनीश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई तक प्रदेश की सभी ब्लॉक इकाइयों के चुनावों को संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 जुलाई तक सभी जिलों के नई कार्यकारिणियों का गठन करके नए जिलाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इस चुनाव प्रक्रिया में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। यह चुनाव जिला संयोजक रजनीश ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुए। मैं सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आज तो देखिए हिमाचल का पहला इलेक्शन मंडी सदर में हुआ है जो कि बिल्कुल शांतिप्रिय और अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, और अगले कल जो यानी कि 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी जो ब्लॉक हैं वहां इलेक्शन होंगे और 15 जुलाई के बाद जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हैं 31 जुलाई तक पूरे होंगे और उसके बाद फर्स्ट जो वीक है अगस्त में वो स्टेट कार्यकारिणी का चुनाव होगा। वो कहाँ होगा ये अब जो हमारे संयोजक हैं वो इस बात को तय करेंगे। उधर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को 6 मील के पास सब बड़े वाहनों के लिए 2 तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। SP मंडी सागर चंद ने दरअसल जानकारी देते हुए बताया है कि ब्लास्टिंग करके कुछ बड़ी बड़ी चट्टानों को हटा दिया गया है। बता दें कि आज भी शाम 7 बजे तक ब्लास्टिंग का काम जारी रहेगा। चट्टानों को तोड़ने में पुलिस और KMC की टीम मैदान में पूरी मेहनत के साथ डटी हुई है। उधर मंडी में ठगी करने वाले मंडी और बबली का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। बता दें आपको कि ठग युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करते थे और दोनों पार्टनरशिप में फर्म चला रहे थे, जहां से सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के विज्ञापन निकालते थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना सुंदरनगर में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड सर्विस सिलेक्शन एसोसिएशन नाम की एक फर्म है जो कि सुंदरनगर में है और मंडी से उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। और उसमें ये भी बताया गया था कि कुछ इस प्रकार की एडवर्टीज़मेंट की गई जिसके लिए वो शायद ऑथराइज नहीं है, जिसके बारे में थाना से एक SHO के साथ एक टीम यहाँ पर उसकी एसोसिएशन जो जो है कि फर्म का ऑफिस है वहाँ पर आई थी, जिसको मैं भी यहाँ पर आया हूँ और हमने इसको तस्दीक किया है। तो ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्टों के लिए एडवर्टीज़मेंट की गई है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। एक FIR रजिस्टर्ड किया गया है 4420 और 34 IPC में, जिसके लिए अब थाना में रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें। उधर हिमाचल प्रदेश होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने धर्मशाला पत्रकार वार्ता की प्रेस वार्ता में कहा कि धर्मशाला को आगामी ICC विश्व कप मैचों के लिए चुना गया है। साथ ही कहा कि अक्टूबर के महीने में कुल 5 विश्व कप मैच खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ICC विश्व कप मैचों के लिए मेजबान शहर के रूप में धर्मशाला का चयन एक वैश्विक खेल और पर्यटन केंद्र के रूप में हुआ है। होटल एसोसिएशन ने कई बार रिपोर्ट दिखाया है, हमने टूरिज्म से दिखाया है, वो हमने पिछले 3 साल कर रहे थे, अभी की बात 3 साल कर रहे थे,
हमने वर्क किया है सदस्यों के पास, तो हमें जो बिल बनाकर जो एक सरकार की तरफ से आता है वो यही आता है कि वो एक फ्री मार्केट है और हम ज्यादा नहीं कर सकते तब तक कि वो किराए लिमिट पे पहुंच जाएंगे। उधर हमीरपुर में बरसात के दिनों में टमाटर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली। सब्जी मंडी में टमाटर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, तो वहीं बाजार में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे कि लोगों की जेब पर भार बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए किलो थे, लेकिन एकदम से टमाटर के दामों में उछाल देखने को मिला है। साथ ही लोगों ने प्रदेश सरकार से सब्जियों के दामों में कटौती करने की मांग भी की है। सर पहले 3 रुपए और 20 रुपए था, आज जो है 5 रुपए में मतलब 80 रुपए किलो हुआ। सब्जियों के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो आम जो दिहाड़ीदार आदमी है ना जी, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको दिन में कमाने वाला शाम को खाने वाला है जी। तो अगर उसको टमाटर की जरूरत पड़ती है तो 80 रुपए कहाँ से खरीदेगा? जो 20 रुपए टमाटर बिक रहा था ना जी, वो आज 80 रुपए बिक रहा है, तो क्या कारण है ये तो प्रशासन को पता करना चाहिए ना जी। दाम 30-40 रुपए तक हो जाती तो बात थी, लेकिन इतना महंगा 80-90-100 रुपए के बीच में ये हो गया, तो ये काफ़ी सोचने का विषय है। सरकार को इसको ये करना चाहिए कि इसका रेट जो है वो नॉर्मल है। उधर इस बार मई महीना तक बर्फबारी का दौर जारी रहने के चलते अभी तक बर्फ हटाकर यातायात बहाल होने का काम पूरा नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग ने मौसम खोलने के बाद से पूरा जुजाज पास मार्ग पर जमी बर्फ हटाकर यातायात बहाली के लिए काम युद्ध स्तर पर चला रखा है। जल्द ही मार्ग पर यातायात बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।